नमस्कार सभी भोजपुरी श्रोता बंधुओं को तहे दिल से, दिल की समस्त सुंदर भावनाओं से स्वागत करते हुए, सबको प्रणाम करते हुए हरिओम म्यूजिक आजमगढ़ के सौजन्य से अभिमन्यु भैया के देखरेख में, राजन भैया के निर्देशन में एक गीत, एक बात कहा था बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने कि शिक्षा शेरनी का दूध होता है और इस दूध को जो पिएगा वो कहीं भी दहाड़ेगा। हमारे कवि जी माननीय श्री संतोष यादव जिन्हें लिखा है इस दुनिया में शिक्षा की कितनी कीमत है। अरे सरहद पे बंदूक के ताकत, सरहद पे बंदूक के ताकत, गोली के बेवगार ने सबसे बड़की कलम के ताकत, सबसे बड़की कलम के ताकत, बात ये संसार में सबसे बड़की कलम के ताकत। हिल गए अंग्रेज भले ही क्रांतिकारी टोली से, लेकिन मिली आजादी हमको, लेकिन मिली आजादी हमको गांधी ज्ञान की बोली से, अरे ज्ञान बराबर ताकत कोनो, ज्ञान बराबर ताकत कोनो, ना दूसर हथियार में सबसे बड़की कलम के ताकत, सबसे बड़की कलम के ताकत, बात ये संसार में सबसे बड़की कलम के ताकत, बात ये संसार में। सवाल खड़ा हो गया, अंग्रेज जाने लगे देश में, राजनीतिक लोग अपना संगठन अपनी पार्टियां बनाए, आखिर में भारत चलेगा तो कैसे? एक शोषित समाज में, पीड़ित समाज में पैदा दुनिया के अंदर जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब बी आर अंबेडकर, विश्व में जिनको सम्मान मिल रहा है, भारत रत्न से नवाजा गया, उस कलम के पावर से ही एक गरीब का बेटा जब भारतीय संविधान लिखता है तो कवि जी ने भाव लिखा है, ज्ञान की बल से बाबा साहब, ज्ञान की बल से बाबा साहब संविधान लिख डाले हो, आए हमारे शोषित दबित पिछड़े समाज के लोगों, भारतीय संविधान स्वतंत्रता समता बंधुता और न्याय पर आधारित आपका सारा अधिकार सुरक्षित है, तय आपको करना है कि आपका भविष्य क्या होगा, आपका भारत क्या होगा और आपकी आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगी, ये तय आपको करना है। जैसन चाह देश बना लो, जैसन चाह देश बना लो, बायब तोहरी पाने हो, अरे नई क्रांति ज्ञान नया,
बहुजन समाज के लोगों, पिछड़े समाज के लोगों, बाबा साहब ने जिस शिक्षा को शेरनी का दूध बताया उस दूध को पियो और एक बार पी करके देखो, जब ये जाएगा नॉलेज में निश्चित रूप से तुम्हारे विद्वत्ता का डंका पूरी दुनिया में बजेगा। क्योंकि ये समाज हमेशा मेहनत कस रहा है, हमेशा लड़ाकू रहा है, हमेशा आपका शानदार इतिहास है। नई क्रांति ज्ञान लयाई जहिया चढ़ी कपार में, सबसे बड़ की कलम के ताकत, सबसे बड़ की कलम के ताकत बाटे ये संसार में, सबसे बड़ की कलम के ताकत। आज के हालत नीति व्यवस्था साफ साफ समझावत बा, अनपढ़ अजुओ करे गुलामी शिक्षित देश चलावत बा, अगर बाबा साहब की एक बात सिर्फ आप लोगों ने मान लिया, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, पहला केवल पहला ही दाव, पहली ही बात आपने अगर मान लिया तो आपका संपूर्ण भला हो जाएगा। कवि जी ने लिखा है, फूल खिले सभी चमन में, फूल खिले सभी चमन में, बन माली के प्यार में, सबसे बड़ की कलम के ताकत, सबसे बड़ की कलम के ताकत पाके ये संसार में, सबसे बड़ की। अपने गीत के माध्यम से प्रे अपने समाज को संदेश देना चाहता हूं कि बहुजन समाज के लोगों, अरे पिछड़े समाज के लोगों, आज दुनिया में डंका हमारा कभी बजा करता था लेकिन हम उपहास के पात्र बने हैं। दुनिया के जितने भी विकसित देश है जहां भाईचारा है, पूर्ण रूप से विकास है, समता है, स्वतंत्रता है, उनके पास कौन सा हथियार है? आखिरी लाइन में कहना है, कलम की बल पर चीन अमेरिका आज विश्व के दादा हुआ, कहे कभी संतोष कहीं का, कहे कभी संतोष कहीं का, अब हम ऐसे ज्यादा हो, संवैधानिक तौर पर इस भारत देश में अगर कोई सबसे बड़ी ताकत है तो पहले गांव में कहल जा कि जनता जनार्दन बोले। लेकिन धन्य है बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जिन्होंने भारतीय संविधान में वो ताकत पैदा कर दिया, वो अधिकार आपको दे दिया। अय गरीबों, अय किसानों, अय मजदूरों, अय मजलूमों, तुम्हारे पास वो ताकत है जिसको लोग कभी कहावत कहते थे और उसको मैं संवैधानिक अधिकार के रूप में दे दिया। इसलिए गीत में लिखा है कवि ने, अरे जनता बड़ी जनार्दन सबसे, जनता बड़ी जनार्दन जाति बुझ बजब इतबार में, सब
सबसे बड़की कलम के ताकत, सबसे बड़की कलम के ताकत बाटे ये संसार में, सबसे बड़की कलम रे कलम रे कलम।